दिल्ली में शराब नीति के खिलाफ जो केजरीवाल सरकार ने शराब नीति लागू की है नई, उसके खिलाफ लगातार दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आज गोंडा क्षेत्र के विधायक अजय महावर और उनकी पूरी टीम यह शराब नीति के खिलाफ फतेह सिंह मार्ग पे, जो कि बुल बाजार रोड कहलाता है, वहाँ पे एक मोर्चा निकाला है उन्होंने। और यह अब ग्रामीण रोड होता हुआ गोंडा तक जाएगा। और आप देखिए सभी वार्ड के यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता, नेता, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और आप भीड़ देख सकते हैं। यह अब खुली चुनौती है आर पार की, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए अब आर पार की लड़ाई आ गई है, क्योंकि बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। क्योंकि अब 250 से बढ़ा के जो 800 ठेके किए गए हैं पूरे दिल्ली के अंदर, वो एक बहुत बड़ी यहाँ पे जो घोषणा की है आम आदमी पार्टी ने, वह पूरे ही दिल्ली को बर्बाद करने की कगार पे ले आएगी। इसके खिलाफ अब दिल्ली में बीजेपी ने मोर्चा संभाल रखा है। हर क्षेत्र, हर वार्ड, हर विधानसभा में ऐसे ही प्रदर्शन अब लगातार चल रहे हैं। पर आप देखिए यह बीजेपी का गोंडा के अंदर आज जो शराब नीति के खिलाफ प्रदर्शन है, इसका नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी के विधायक गोंडा के अजय महावर और बीजेपी के युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, सभी इसमें लगातार मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं ये सभी लोग लगातार ऐसे ही इस पूरे क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये अब धीमे धीमे यह मोर्चा प्रदर्शन गामरी रोड की ओर बढ़ता हुआ बुद्ध बाजार रोड से, और भीड़ इतनी है कि संभाले नहीं संभाल रहा। आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको भीड़ भीड़ दिखाई देगी। इसमें सभी लोगों ने अपना, चाहे वो कोई भी मोर्चा हो, सभी कार्यकर्ता, सभी वार्ड के अधिकारी, पदाधिकारी और सभी क्षेत्र के निवासी भी इसमें शामिल हुए हैं। इसमें काफी बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, क्योंकि सबका कहना है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट इससे महिलाओं और बच्चों को होगा, क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब चल रही है कोरोना के चलते। और अगर ऐसे ही शराब के ठेके खुलते रहे तो बच्चे और उनके घर के गार्जियंस शराब पीने की लत में आ जाएंगे, जिससे घर में बर्बादी होगी, बच्चे अनाथ होंगे, क्योंकि इससे शराब पियेंगे तो घर की बर्बादी होगी, मृत्यु भी हो सकती है। जैसा कि बताया जाता है कि शराब और इन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि लोग अगर ऐसे ही शराब पी पी के रोडों पे गिरेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, तो महिलाओं बहनों के साथ सबसे ज्यादा छेड़खानी होगी। देखिए ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, और इसमें सभी दल, चाहे वो बीजेपी का अपना युवा दल हो, यहाँ का युवा यूथ हो, या फिर यहाँ पे महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, सभी यहाँ पे अब मौजूद हैं। और सबकी एक ही अब यहाँ पे मनसा है, एक ही डिमांड है कि हमें इस केजरीवाल की शराब नीति के खिलाफ जाना है, और हमें किसी भी कीमत पे यह शराब नीति लागू नहीं होने देनी है अपनी विधानसभा के अंदर। और अब तो पूरी दिल्ली में ऐसे ही लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, और आप देखिए इसका नजारा। यह गोंडा का बुद्ध बाजार रोड फतेह सिंह मार्ग है, और इस पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। आप देखिए भीड़ इतनी हो चुकी है कि संभाले नहीं संभल रही, और यह सब इनका गुस्सा है जो अब सामने आ गया है। और अब सीधा सीधा एक ही चीज है, आर पार होगा इस शराब नीति के खिलाफ। बीजेपी अब पूरा मोर्चा खोल चुकी है, और दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। उसी कड़ी में आज गोंडा विधानसभा के क्षेत्र विधायक अजय महावर और उनकी पूरी टीम, चाहे वीसी वशिष्ठ हो, ललित चौधरी हो, दिनेश धामा हो, दिनेश अछवान हो, या पूनम चौहान हो, सभी लोग यहाँ पे लगातार मौजूद हैं। और उनका सभी का एक ही कहना है कि किसी भी कीमत पे हम अब इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे, और हम ये नीति हटा के ही दम लेंगे। कोई बात नहीं, साथ साथ में आ जाओ विधायक जी। जी ये
कब तक चलेगा, क्योंकि केजरीवाल तो अपनी स्थिति को वापस लेने वाले नहीं है। देखिए हम इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। कौन बोलेगी? इसमें महिलाओं की सम्मान सुरक्षा का, युवाओं के भविष्य का, और गली मोहल्ले में जो जगह जगह शराब की दुकानें खोल रहे हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में पिंक ठेके खोले जा रहे हैं, हम पिंक ठेकों का विरोध करते हैं। पहले केजरीवाल जी, सुनीता केजरीवाल को पिंक ठेका में दारू का चखन कराएं और अपने बच्चों को कराएं, उसके बाद जनता में दें। तो आप देख सकते हैं लगातार क्षेत्र विधायक का कहना है कि हम किसी भी कीमत पे ठेके खुलने नहीं देंगे। लगातार ये सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, केजरीवाल की शराब नीति के खिलाफ। ये लोग रोडों पे उतरे हुए हैं और यह बीजेपी ने अब मोर्चा संभाल रखा है, किसी भी कीमत पे किसी भी ठेके को खुलने नहीं देंगे, और दिल्ली में इस शराब नीति के खिलाफ ये अब उतर चुके हैं। न्यूज़ भारत टीवी, बुद्ध बाजार, गोंडा।